हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप टू डेट सूचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलपीएन टेक्नीशियन का डीवी मेडिकल शुरू हो चुका है सारे जोन में। तो यहाँ पे कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे डीवी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, तो इसके चलते कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि उनका एडमिट कार्ड कब आएगा, उनका डीवी और मेडिकल कब कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है और उनका मेडिकल और डीवी भी हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं कुछ जोन में, जैसे कि एग्जांपल है हम मुंबई जोन का, तो यहाँ पे डीवी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है और कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, हमें कैसे पता चलेगा एडमिट कार्ड आएगा उसका, क्या हमें एसएमएस या ईमेल आएगा उसका। तो इसी तरह के डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगा और मैं आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। मैं भी एएलपी कैंडिडेट हूँ यहाँ पे, तो मैं अपना एडमिट कार्ड आपको वीडियो के थ्रू डाउनलोड करके दिखाऊंगा यहाँ पे कि कहाँ से आपको लिंक मिलेगा डाउनलोड करने का और आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपको एडमिट कार्ड आने का पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों, चिंता मत करो, आपका एडमिट कार्ड जब भी रिलीज होगा आपको एसएमएस और ईमेल इसके रिगार्डिंग आ जाएगा। जैसे कि मेरा एडमिट कार्ड आया था यहाँ पे 11 जून को, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मुझे एक दिन बाद यानी 12 जून को मेरा एसएमएस आया था और ईमेल भी मुझे इसके रिगार्डिंग रिसीव हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों का भी जब भी एडमिट कार्ड आएगा और इसके रिगार्डिंग आपको एसएमएस और ईमेल मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का एसएमएस और किस तरह का ईमेल आपको आएगा जो कि मुझे रिसीव हुआ था 12 जून को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैसेज मुझे मिला था जब मेरा एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था, उसके बाद ये ईमेल आप देख सकते हैं जो मुझे रिसीव हुआ था मेरा एडमिट कार्ड आने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह का ईमेल और एसएमएस आपको भी मिल जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है कि लिंक कहाँ से है, कौन सी जगह से हम अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि हमने देखा था, हमारा CBT 1, CBT 2 और CBT 3 का जो रिजल्ट है वो इशू किया गया था, वहीं से हमें एडमिट कार्ड मिलेगा। आपको पता होगा कि हमारा जो CBT 2, CBT 3 और सारे CBTs का जो एडमिट कार्ड है वहीं से डाउनलोड कर पा रहे थे हम। तो इसका जो आपका डीवी का एडमिट कार्ड आएगा वो भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ डेमो के थ्रू, एक वीडियो मैं बना देता हूँ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके, आप देख सकते हैं किस तरह से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको किसी भी RRB की वेबसाइट पे जाना है। किसी भी RRB की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं जिसकी आपकी इच्छा हो, और उसके बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पे RRB चंडीगढ़ की वेबसाइट खोली है, तो आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो। और उसके बाद आपको, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे आपको अपना रिजल्ट वाला लिंक खोलना है जहाँ से आपका CBT 3 यानी साइको टेस्ट का रिजल्ट आया था। तो देख लेते हैं यहाँ पे लिंक पे जाके, देखिए यहाँ पे लिंक है आपका जो कि CEN01 2018, क्लिक हेयर टू व्यू सीबेट स्कोर एंड डाउनलोडिंग इक्वल लेटर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा हमारा, जहां से हम लॉग इन कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। तो इसके अंदर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, मैं अपना डाल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ जानकारी है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ में, थोड़ा सा मैंने इसको कॉन्फिडेंशियल रखा है, तो आपको यहाँ पे अपना एंटर करना है। उसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपके सामने अपना जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपकी कैंडिडेट की डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें आपका जो साइको टेस्ट है इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट जो साइको टेस्ट पे रहा, क्वालिफाई दिखा रहा है यहाँ पे मेरा। ठीक है, 22.3 मेरा मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरा ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप क्लियर किए हैं या नहीं, तो शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी यस। तो उसके बाद आप देखेंगे ई कॉल लेटर का भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो जैसे ही आप ई कॉल लेटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह से आपके सामने आएगा क्लिक हियर टू डाउनलोड ई कॉल लेटर। ठीक है, अगर आपका कॉल लेटर इशू हो चुका है तो आपको इस तरह का मिलेगा, अदरवाइज अगर नहीं हुआ है तो आप वेट कीजिए, थोड़ा आपका इशू होने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे इशू हो चुका है इसलिए मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो ई कॉल लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन करके देखते हैं।
मेरा एडमिट कार्ड आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ जानकारी है जो मैंने छिपाई है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो डीवी की डेट है वो 21 जून दी गई है, जो कि हो चुका है। और मैं अपना डीवी और मेडिकल का दोनों का एक्सपीरियंस का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी आपको देनी थी इस वीडियो में। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप मुझे लाइक्स के माध्यम से बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।